मैं हूं अमित और भाई साहब आज हम आ चुके हैं अपने घर से बहुत दूर आप लोगों को शेर दिखाने के लिए यानी कि लायन दिखाने के लिए। गाइस हम हैं फिलहाल गुजरात में गिर नेशनल पार्क के अंदर एंड आई डोंट नो कि हमको यहां पर अभी क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। गाइस हम सुबह सुबह निकल चुके हैं, गाड़ी एकदम गंदी हो रखी है क्योंकि मतलब मिट्टी हो रखी है बहुत ज्यादा, वो वाली भी गंदी हो रखी है, पीछे जो है गाइस सफारी भी है। तो यहाँ पर इसका रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा मिट्टी जो है धूल वो उड़ रही है और हम इसको जो है साफ़ भी नहीं कर पाए हैं। घर से गाइस लगभग 1000 किलोमीटर के दूर हम जो है फिलहाल है और यहाँ पर जंगल के अंदर आ चुके हैं। अब घूमेंगे जंगल में, क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन कौन से जानवर मिलेंगे, क्या नया देखने को मिलेगा और क्या हमको शेर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, आई डोंट नो। लेकिन यही तो मज़ा है गाइस, तो आप इंजॉय कीजिए इस पूरी जर्नी को। आप तो यही मान के चलिए कि आप ही जो है गिर नेशनल पार्क घूमने आए हैं और पूरी जो जर्नी है उसका मजा लीजिएगा। तो गाइस फटाफट से शुरू करते हैं और इस वीडियो के लिए भाई साहब लाइक का बटन जरूर से दबा देना क्योंकि यार हमारा टारगेट हमेशा रहता है कि आपको कुछ नया दिखाया जाए, आपको जो है ऐसा फील कराया जाए कि आप एक्चुअली में हमारे साथ में चल रहे हो। तो गाइस ये सारी बस मेहनत लगती है, तो आप लोग भी प्लीज़ उस मेहनत को थोड़ा सा सपोर्ट करना लाइक का बटन दबा करके इस वीडियो के ऊपर। गाइस देखो मैं कोई भी टारगेट नहीं रख रहा हूँ, हर बार हम टारगेट रखते हैं लेकिन आज सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, हम हमारा काम करने के लिए आ चुके हैं, आप भी अपना कर दीजिए लाइक करके। फटाफट से शुरू करते हैं अब। हम लोग गाड़ी से शिफ्ट होकर के आ गए हैं इस दूसरी गाड़ी के अंदर और अभी हम घूम रहे हैं फिलहाल जंगल के अंदर। और फिलहाल गाइस अभी तक तो देखो कोई भी जानवर हमको नहीं दिखाया, हम लोग लगभग 15-20 किलोमीटर अंदर घुसे हैं तब जा कर के जो है हमको ये वाली गाड़ी मिली है और इसके बाद में भी आपको आगे का भी पूरा दिखाएंगे कि क्या करने वाले हैं। तो अभी तो चलते हैं जंगल में और देखते हैं कुछ मिलता है या नहीं मिलता। एक बात जंगली जो मुझे बहुत खास लगती है वो ये है कि यार यहाँ पर जो है ना एकदम शांति, हाँ बिल्कुल एकदम नेचुरल। देखो भैया बता भी रहे, एकदम नेचर वाली जो फील होती है ना कि शांति है, कुछ भी यहाँ पर जो है किसी लेन देना नहीं, मस्त आराम से घूमो फिरो। चलो चलते हैं जिस एरिया में अपन है इसमें शेर हैं क्या भैया? हैं इसमें लेपर्ड का एरिया, लेपर्ड। अच्छा लेपर्ड का एरिया है ये, इसमें गाइस लेपर्ड यानी कि तेंदुए हैं, शेर का तो भैया बोल रहे कि इधर नहीं है, वो दूसरा एरिया है। दोस्तों हम फिलहाल नदी के किनारे आ गए हैं और यहाँ पर देखो मेरे सामने गाइस वहाँ पर है एक मगरमच्छ, वो रहा देखो पानी बह रहा है और उसके किनारे पर वहाँ मगरमच्छ बैठा है, क्या बात है। और लगभग मेरे हिसाब से कम 6-7 फीट तो इसका साइज़ होगा ही और भाई साहब मेरी आंखों के सामने मगरमच्छ है वो भी ज़मीन के ऊपर। जूम लेंस से दिखाओ ज़रा यार बढ़िया से, उधर है वहां पर वो तो इससे भी बड़े बड़े हैं भाई, 8-10 फीट के मगरमच्छ है। दोस्तों हम लोग फिलहाल घने जंगल में नहीं घुसे तो यहां पर जो है गाड़ी से उतरना भी अलाउड है और यहाँ पर जो है हम आपको चीज़ें दिखा रहे, इधर जो मगरमच्छ हैं और बहुत सारे हैं पूरी नदी किनारे पर, कम से कम 20-25 तो हम लोग देख चुके हैं। तो गाइस अब हम जाने वाले हैं गिर नेशनल पार्क के दूसरे पार्ट में जिसका नाम है देवलिया और वहाँ पर लॉयंस यानी कि शेर दिखने के जो
चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ऑलमोस्ट श्योर ही है कि वहाँ पर जो है लायंस दिख जाएंगे। तो यहाँ पर हमने गाइस दो इस तरह की जिप्सी करी हैं, एक ये जिप्सी रही, एक जिप्सी जो है वो आगे है। तो हम आठ लोग हैं, चार चार दोनों में हो जाएंगे इस बार। चलो चलते हैं, चलो जंगल सफारी के अंदर। हमारी एक गाड़ी पीछे आ रही है और हम आगे चल रहे हैं। और गाइस हम लोगों ने अभी दो शेर और एक शेर हाँ अब वो लोग नहीं देख पाए, बट हमने देखा था, हमने देख लिया, कैप्चर भी किया है, तो आपको दिख जाएगा वीडियो में। तो गाइस आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे देखने के लिए। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जंगल के अंदर, गहरे जंगलों के अंदर। तो गाइस हम लोग फ़िलहाल फॉरेस्ट एरिया के अंदर आ गए, जो देवलिया है उसके अंदर आ चुके हैं अभी। और अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको कौन कौन से जानवर मिलते हैं। और इन लोगों को शायद वहाँ पे लॉयन भी दिखा था, आई डोंट नो कि तुमको शेर दिखा था क्या? ओहो भाई साहब, उनको जो है शेर दिख भी चुका है जंगल में पहले, जब हम रोड से आ रहे थे ना रोड पे दिख गया, कैमरे में है वो। दोस्तों दुनिया में सिर्फ दो जगह ही शेर हैं, और इंडिया की बात करें तो सिर्फ एक जगह है जो कि है गुजरात में गिर नेशनल पार्क के अंदर, और दूसरी जगह दुनिया में है वो है अफ्रीका एंड गुजरात। बस दो जगह ही आपको शेर देखने को मिलेंगे गाइस। भैया यहाँ पे कितने लायंस है, टोटल कितने शेर हैं? देखो ये जो गिर है पूरा 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। अच्छा। उसमें 674 एनिमल है वो मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन कौन से एरिया में 674 शेर है? हाँ शेर है, कितने मिलेंगे उसका कोई गारंटी नहीं रहता। अच्छा, अच्छा। पर क्या है कि ज्यादातर अभी का जो टाइमिंग रहता है वो वाटर पॉइंट का टाइमिंग रहता है, और ये जो हम लोग घूमने जा रहे हैं वो एक से दो मील लेंथ का एरिया रहता है। तो उसके अंदर आपको एक जो हमारा नामचीन शेर है देवराज जिसको बोलते हैं, जो वर्ल्ड में पूरे फेमस है, अगर बाई चांस हमें मिल जाए तो सबसे अच्छी बात रहेगी। और बाकी तो क्या है कि वाटर पॉइंट पे जो भी आएगा वो हम देखते रहेंगे। यहाँ पे आपको वैसे देखने जाओ तो लायन, लेपर्ड, स्पॉटेड डियर, एंटीलोप, ब्लू बुल, इंडियन ग्रेजल्स, ब्लैक बक्स वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये गिर के 700 शेर है यहाँ पे। वैसे गिर के अंदर 38 प्रजाति रहती है अलग अलग। अच्छा, अलग अलग जानवर है। हाँ, अलग अलग जानवर है, हिरन है, बर्ड्स हैं बहुत सारे। बर्ड्स यहाँ पे आपको 350 पीसेस अलग अलग मिलते हैं प्रजातियों के। तो गाइस यहाँ पर जो है पक्षी हैं। चले भैया ढूंढे शेर को, ढूंढते हैं चलो। और हम फिलहाल जिस गाड़ी के अंदर है ना, वो गाड़ी इस तरीके से बंद है, पूरे में जाल लगा हुआ है। ये वाला हिस्सा खुला है लेकिन इसको भी बंद किया जा सकता है। ये ऊपर उठता है, कैसे उठता है पता नहीं गाइस, लेकिन ये ऊपर जाता है। यहाँ पर जो है आपको रोड के दोनों साइड ये काली काली जगह दिख रही होगी, एक बार दिखाओगे? ये गाइस इसलिए है, ये सेफ्टी फायर इस चीज़ को बोलते हैं, ताकि अगर किसी ने अगर स्मोकिंग करके सिगरेट या कुछ फेंक दिया तो उसकी वजह से आग नहीं लगे जंगल में, तो पहले ही जला दिया गया उसको, जिससे क्योंकि सब कुछ सूखा है तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। तो ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है जो कि रोड के दोनों साइड किया गया है। गाइस यहाँ पर ये जो है स्पॉटेड डियर हैं, जिसको हिंदी में चिंकारा बोलते हैं, चीतल, ये चीतल हैं। और तीन हैं यहाँ पे, नहीं ज़्यादा है यहाँ, तीन तो आ गए हैं। पूरा ग्रुप है 10 से 12 का, 10 से 12 का यहाँ पर चीतल का ग्रुप है, और ये भाग रहे हैं फिलहाल। ये वाला जो एनिमल है ना, साल में 2 बार बच्चे को जन्म देगा। अच्छा। और जो उसके होंस रहते हैं वो साल में 1 बार गिर जाएगा, जब उसको कैल्शियम की कमी रहेगी ना तब उसको। अच्छा, साल में 1 बार हॉर्न भी इसका सिंग गिरता है। हाँ, सिंग गिरता है। ये हेड पंप किधर चलता है? झाड़ के बीच में। अरे ये रहा, देखो ये। हाँ, ना इनको कह रहा हूँ भैया मैं। अच्छा, हाँ, ओके, ओके, हाँ।
कहाँ पे? अरे यहाँ पे। ओ ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। गाइस यहाँ पर जो है हमारे सामने एक 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 तो फीमेल है और ये इसका बच्चा नहीं, एक तो मेल है भैया, ये एक मेल फीमेल एंड छोटा कब। वाओ गाइस अभी फिलहाल मेरे सामने यहाँ पर जो है शेर है, क्या बात है, जूम करो जूम करो। गाइस फिलहाल मेरे सामने दो तीन है भैया ना टोटल, यहाँ पे एक शेर है, एक शेरनी और एक उसका बच्चा है जो कि यहाँ बैठे हुए। इसका साइज कितना बड़ा है भैया, ये तो फोटो में देख करके तो ऐसा लगता है छोटा सा, और वो चिड़ियाघर और उससे भी वो तो छोटे होते हैं, मतलब ये तो हेल्दी है पूरे। ओहो इसके नाक से लेके पूंछ तक लंबाई मापो, कितना बड़ा इसका साइज है। वाओ अब देखो, और एक जो है शेर का छोटा बच्चा भी है वहां पे, क्या बात है गाइस। एक बार दिखाओ 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 आगे दिखाओ, देखो वहां पे है गाइस। जब तक उसको खतरा नहीं महसूस होगा तब तक हमको भी वो जो है कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भाई ज्यादा दूर नहीं है मुझसे, आप खूब ज्यादा ज्यादा मानो तो कोई 40 फीट होगा, बस इतना ही दूर है भैया। थोड़ा आगे लेके खड़ा कर लेंगे एक बार प्लीज, उसका फेस भी आ जाएगा। हाँ उसका फेस दिखाते हैं आपको सामने से। वाओ गाइस क्या बात है, यहाँ पर जो चीज है जो नज़ारा है ये देखो, अब तो इसकी दूरी और भी कम होगी। भैया भैया बस यहीं रोक लो भैया। भैया इनकी उम्र कितनी होगी शेरों की? देखो ये जो मेल लाइन आप देख रहे हो 9.5 ईयर का है, 9.5 साल का वो शेर है, और ये शेरनी, शेरनी आपको देखने देखोगे ना तो वैसे देखने जाओगे 7 से 8 साल की है, और बच्चा जो है वो 3 से 3.5 मंथ का है। बच्चा 3.5 महीने का है, क्या बात है, 7 साल की शेरनी है। इसकी उम्र कितनी होती है शेर की? देखो वाइल्ड लाइफ के अंदर 16 से 17 ईयर रहता है, और जू के अंदर 20 से 21 ईयर। क्या है कि अच्छा, वहाँ पे ये तो वाइल्ड लाइफ ही तो है यहाँ पे, ये पूरा वाइल्ड लाइफ है। वाइल्ड लाइफ में 16-17 साल होती है, उसके बाद वही बात है ना कि बूढ़ा हो जाएगा तो वहाँ तो फिर भी उसको खाना डाल देते हैं जू में, लेकिन यहाँ तो भाई नेचर है तो नेचर तो अपने हिसाब से चलती है, और जब खाना नहीं पकड़ पाएगा शिकार नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली उसके बाद जो शेर है वो जल्दी मर जाते हैं जंगल में जू के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो है सांबर डियर को खाते हैं, नीलगाय भी होंगे यहाँ पे ना, नीलगाय खाते हैं, एंटीलोप्स खाते हैं, और जो यहाँ पे कुछ गांव है तो वहाँ पे वो गाय भैंसे पालते हैं उनकी वो भी खा जाते हैं कभी कभी। क्या बात है, यहाँ जो शेर है वो मुंह खोल रहा था भाई शेरनी, और उसके इतने बड़े बड़े दांत हैं, मुझे नहीं पता आपको कैमरा में कितना दिखाया है नहीं, लेकिन मुझे अच्छे से दिखाया यहाँ पे, इतने बड़े बड़े दांत हैं भाई। हाँ इंसान तो कुछ भी नहीं है भैया। वजन कितना होता है शेर का लगभग? देखो मेल लाइन का रहता है 125 kg। 125? हाँ, और फीमेल जो रहती है 125 से लेके 130 तक रहती है। 130 यानी कि 125 किलो के आसपास वजन है कुल मिला के। चलो ठीक है गाइस अब यहाँ से आगे चलते हैं, इनको भी इन आराम से सुस्ता देते हैं और बाय कर देते हैं। वो ये तो सफाई करते हैं ना जंगल में, तुम नहलाओगे थोड़ी इनको, वो ऐसे अपने जबड़े और ये सब वो पंजे साफ कर रही है। बाय। तो गाइस हमें लायन और एक फीमेल और एक उनका बेबी मिला है, ये देखो मतलब इस एरिया में कितने शेर हैं इस वाले? इस एरिया में आपको 7 का ग्रुप है। दूसरे कहाँ पे वो बोल नहीं सकता, ये जो अभी था ना वो मेन था देवराज, ये बाकी कहाँ है? बाकी तो पूरा एरिया है ना, जैसे आप 7 बता रहे हो, 3 तो यहाँ थे, 3 यहाँ पे है, प्लस ये 35 से 40 किलोमीटर का एरिया रहता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं वाटर पॉइंट पे आराम। जिस एरिया में अपन है देवलिया में, ये कितना स्क्वायर फीट में है एरिया? ये देखो वैसे देखने जाओ तो 1600 किलोमीटर तक एरिया रहता है। ऐसा भी होता होगा किसी को दिखाई नहीं है ना? हाँ किसी को मिलता भी नहीं, सुबह में किसी को नहीं मिला था। हम लोग लकी हैं तो हमको गाइस दिख गया, सुबह किसी को भी शेर नहीं दिखा था लेकिन हमारी किस्मत उतनी ख़राब नहीं रही, जब हम पिछली बार गए थे हमको टाइगर नहीं दिखा था सरिस्का में, और हमने खूब ढूंढा लेकिन टाइगर नहीं मिला, लेकिन आज शेर मिला है हमको, आज दिखा दिया। हाँ आज जंगल का राजा हमको मिल गया। भैया नाम क्या था शेर का? देवराज। देवराज नाम था शेर का, लेकिन शेर शेर की शक्ल नहीं दिखी। और शेरनी का भी नाम है क्या कुछ? भैया शेरनी का भी कुछ नाम है क्या? नहीं शेरनी का नहीं रहता। अरे यार भैया शेरनी का नाम नहीं है, शेर का देवराज नाम है। गाइस यहाँ पर एक शेर और मिल गया, 3 साल का मेल लायन है वहाँ पे, और वो भी अभी तो जो है आराम से सुस्ता रहा है क्योंकि छाया में बैठ के पूरे दिन जो है डाइजेशन करते हैं आराम से, और शाम को निकलते हैं शिकार पे।
क्या बात है गाइस, दो जगह हमको शेर मिल चुका है, दो जगह। देखो वो वाला तो बिल्कुल ही नजदीक था भैया, क्या बात है। गाइस यहाँ पर लेपर्ड है, लेपर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? तेंदुआ। तेंदुआ जो है वो वहां पर बैठा हुआ है, और एक नहीं है बहुत सारे हैं, दो तीन तो वहां बैठे हुए हैं। क्या बात है, सो रहे हैं, बैठे तो क्या ही हैं, सो ही रहे हैं। एक तेंदुए जो है वो पेड़ पे भी रहते हैं, और यहाँ पे ये भैया शायद बनाया हुआ है ना ये, इससे बाहर जिससे नहीं निकल सके जानवर, और शेर भी नहीं जा सकता, नहीं जा पाएगा। ये सब वैसे एनिमल है कि जो पब्लिक एरिया में जाके पब्लिक को परेशान करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अटैक करने वाले, समझ गया, छुप के अटैक कर देते हैं बच्चों पे, मेनीडल जिसको बोलते हैं। अच्छा तो ये तो इसके अंदर रहते हैं, इनको खाना कैसे दिया जाता है? इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे जो बड़ी जाली है ना उसके बाजू में छोटे छोटे विंडो है, वहाँ से उसको दिया जाता। अच्छा ये शिकार नहीं करते खुद का, है ना? अच्छा ये यहाँ पर जो लेपर्ड्स हैं वो गाइस रखे गए हैं सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर जो है अगर टूरिस्ट आए तो वो देख सकते हैं इसके अंदर। और कुल मिला करके गाइस ये एक जू नहीं है, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, चारों तरफ भी जंगल है लेकिन उनको फिर भी थोड़ा सा बंद करके रखा गया है ताकि इनको अच्छे से देखा जा सके। एक तो यहाँ पर ही बैठा हुआ है, देखो लेपर्ड्स एक साथ रह सकते हैं इतने सारे? फीमेल है ना सब की सब, और अच्छा ये जो एनिमल है वो ग्रुप में रहेगा। अच्छा लेपर्ड्स ग्रुप में रहते हैं? नहीं भैया यार, लेपर्ड्स तो अकेले रहते हैं, ये अंदर है ना वहाँ पे, बाकी ओपन में तो आपको देखना भी रेड है। अच्छा अच्छा, ग्रुप में क्या एक बच्चा भी नहीं मिलेगा आपको। ओपन में तो, ओपन में लेपर्ड देखना वैसे भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही शर्मीला जानवर होता है। गाइज यहाँ पर पता है जो यहाँ पर वही लेपर्ड्स हैं जिन्होंने आदमियों के ऊपर अटैक किया है, तो ये जो है डेंजरस हो गए हैं इसलिए इनको इसके अंदर छोड़ा हुआ है, और इनको खाना जो है टाइम टू टाइम दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ही, पीने के लिए पानी का भी सोर्स इनका अंदर ही बना हुआ है, तभी ये अपनी तरफ ऐसे देख रहे हैं। अरे वो देख रहा है ऐसे ऐसे करके वो। अभी अपन निकल रहे हैं वापस? नहीं अभी लेपर्ड का एरिया देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद हम लोग एग्जिट होंगे। अभी कितने देर में एग्जिट होंगे अपन? ये लेपर्ड का एरिया आ गए, यहाँ से सीधा ऊपर चढ़ेंगे और वहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद जैसे डाउन होंगे तो एग्जिट होने का एरिया रहेगा। ओके गाइस यहाँ पर जो है जो लेपर्ड है वो हमारे यहाँ से मूवमेंट करता हुआ वहाँ चला गया है, और इसका साइज एक्चुअली में बहुत बड़ा। ये भैया वो फीमेल से तो बड़ा है यार साइज में, हाँ साइज में बड़ा है, ये तो शेर की तरह लग रहा है उसके हिसाब से। और किधर है ये लेपर्ड? यहाँ पे लेटा हुआ है और वहाँ पे भी बैठे हुए लेटे हुए। अच्छा एक ये रहा, वो दो तीन दो रहे। यहाँ पर अभी फिलहाल मेरे सामने एक और खतरनाक जानवर है, दिखाऊँ आपको? यहाँ देखो गाइस फ्रेम के एकदम सेंटर में, देखो थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो क्या बात है, थोड़ा और जूम करता हूँ गाइस, ये है एक लेपर्ड, और यही नहीं यहाँ पे देखो नीचे एक दूसरा लेपर्ड है, इसका साइज तो देखो भाई साहब, और ये जो है यहाँ पे चल के आ रहा है, क्या बात है, थोड़ा और जूम करता हूँ, वाओ ओह, अरे इसने नजर मारी यहाँ पे, इसने नजर मारी है इसने, क्या बात है। तो भाई साहब हमारा जो मिशन है आज का वो सक्सेसफुल रहा है, हमने आज शेर देख लिया, हमने आज लेपर्ड देख लिया, हमने आज हिरन देख लिया, मगरमच्छ देख लिया, क्रोकोडाइल, सब कुछ हो गया है। वाह यार गाइस आज का जो दिन था वो जबरदस्त था, और आई होप कि आपको भी यहाँ पर काफी मजा आया होगा। गाइस मजा तो डेफिनेटली आया होगा, वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना। जब शेर सामने होता है ना भाई साहब ऐसा लगता है देख के कि मतलब एक अलग ही बॉडी के अंदर सेंसेशन, उस टाइम मैं बता नहीं पाया, बॉडी के अंदर एक अलग ही सेंसेशन आता है कि ये खुले में है, ये जंगली शेर है, ये मार के खाता है अपने शिकार, और तब वो सोच के लगता है ओ भाई ये क्या है मेरे सामने, और वो भी इतना पास, वो शेर तो 30 फीट पे ही था यार। गाइस
क्या मस्त दिन था यार भाई। अब जो है वीडियो के लिए लाइक करना जरूर से बनता है गाइस। हम इतना दूर अपने घर से गुजरात, पता है आपको कुछ नया दिखाने के लिए तो घूम रहे हैं, तो आप भी गाइस वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा देना। आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया, भैया से मजेदार वीडियोस बनाते रहेंगे। और क्या बनाना है वो, कुछ आवाज़ आ रही, जल्दी चलते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में दबा वो भी बता देना गाइस फटाफट से। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार। जंगल है गाइस, चलो नमस्कार, लास्ट में अपना वाला डायलॉग, बाय बाय बाय। और गाइस कितने शेर मिले थे अपने को, क्या शेर कितने मिले थे अपने को? शेर मिले 4, 3 तो शेर और एक एक बच्चा, एक बच्चा। हमको 3 मिलियन लाइक होने चाहिए हमको गाइस हमको शेर भी मिल गया, हमको शेरनी भी मिल गई, हमको बच्चा भी मिल गया, सब कुछ, पूरा फैमिली एक साथ बैठा हुआ था यार, क्या रेयर नजारा था। सही बात है गाइस, 3 शेर और एक बच्चा, यानी कि 3.5 3.5 मिलियन लाइक्स का टारगेट है। पहले नहीं दिया था, अभी फिक्स हो गया 3.5 मिलियन लाइक्स का टारगेट गाइस। सब लोग ठोक देना लाइक। चलो अब हम भी निकलते हैं।